आप जब बोले हो तो सही है, ग्रीन सिटी में अपने रहने लायक ही है। अच्छा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपने को परिचित नहीं है तो भी हमसे आके मिलते हैं, कहते हैं कि कैसे हो, क्या है, हाल चाल पूछते रहते हैं, जबकि हमको नयापन नहीं लग रहा इस कॉलोनी में आने के बाद। मैं एम डी राव, मेरी धर्म पत्नी है एम लक्ष्मी राव, और मेरे तीन बेटियां हैं जो बाहर में रहकर नौकरियां कर रही हैं, और मैं उर्वा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से रिटायर हुआ हूं। और मुझे लगा कि कोई एक ऐसी जगह जहां पे मैं रहने लायक व्यवस्था अपनी देख सकूं, जहां मेरे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो इस उम्र में, जैसे स्वास्थ्य की सुविधा हो, बाजार की सुविधा हो, स्कूल मार्केट की सुविधा हो, सड़कें अच्छी हो। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि रायपुर में मैं सब तरफ घूमने के बाद मुझे एक ग्रीनर सिटी एक जो चीज़ है वो पसंद आई, और यहाँ आकर मुझे लगा कि बिल्कुल ये 4 लेन ऊपर बना हुआ है प्रोजेक्ट, सड़कें यहाँ चौड़ी के अंदर में, चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, कई सारे बाग बगीचे लगे हुए हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी आवासीय कॉलोनी में, ऐसा लगता है हम किसी बगीचे में रह रहे हैं। ये सब माहौल देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि नहीं यही रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्लॉट के इनसे डिमांड की जिन्होंने इन्होंने मुझे दिया, और ये काफ़ी मिलनसार लोग भी हैं, काफ़ी अच्छा इनका व्यवहार है बातचीत वगैरह में भी। यहाँ इनसे मैं एक तो किराए का भी डिमांड किया तो इन्होंने मुझे किराए से भी उपलब्ध करा दिया, और यहाँ मैं रह रहा हूँ तो आस पास पड़ोस के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी सहजे लोग हैं, बीच बीच में कोई गैदरिंग वगैरह करना वगैरह सब मिलजुल के रहना, ये सब काफ़ी अच्छा लगता है। इस कारण मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने यही सोचा कि यहीं मैं रह के अपना बाकी जीवन यापन कर सकूं करके। आप जब बोले हो तो सही है, ग्रीन सिटी में अपने रहने लायक ही है। अच्छा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपने को परिचित नहीं है तो भी हमसे आके मिलते हैं, कहते हैं कि कैसे हो, क्या है, हाल चाल पूछते रहते हैं, जबकि हमको नयापन नहीं लग रहा इस कॉलोनी में आने के बाद।